खूप आवडते मला, पण माझं सगळे एका माध्यमावर प्रेम आहे असं नाही आहे. मला असं वाटतं की जिथे आपल्याला चांगली गोष्ट सांगायची आणि चांगलं काम करण्याची संधी मिळेल ते प्रत्येक माध्यम मला तितकंच प्रिय आहे. कारण मी माध्यम बघून काम करत नाही, मी गोष्ट ऐकून काम करते. सो पण मला 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 छान वाटतं वेबसिरीज हे माध्यम, कारण वेळेचं बंधन नाही आहे. म्हणजे वेळेचं इन द सेन्स मेकर्सना तुम्हाला म्हणजे थिएटरमध्ये आता हल्ली मल्टिप्लेक्सेसचं असं आहे ना की 2 तास किंवा 2 तास 5 मिनिटाचा सिनेमा असेल तर तुम्हाला जास्त चांगले शोज मिळतात आणि जास्त स्क्रीन म्हणजे जास्त वेळेला तुमचे शोज लागू शकतात वगैरे. असे कुठलंच कंपल्शन नाही आहे. जर दिग्दर्शकाला 3 तासाचं बनवायचं तर 3 तास बनवू शकतो, 30 मिनटाचा हवा तर 30 मिनटं बनवू, 3 मिनटं हवी तर 3 मिनटाचंही असू शकतो. सो मला असं वाटतं की प्रत्येक गोष्टीचं क्रिएटिव्ह स्वातंत्र्य लेखक दिग्दर्शकांना वेबसिरीजमध्ये खूप आहे आणि मला ते खूप जास्त महत्त्वाचं वाटतं. आता तुम्ही मला सेन्सॉरशिपचा वगैरे प्रश्न विचाराल तर ते सेन्सॉरशिप वगैरे कीप इट अ साईड, कारण त्याला खूप वेगवेगळे लेयर्स आहेत आणि मुद्दे. दिलेल्या स्वातंत्र्याचा लोक ॲडव्हान्टेज घेतात का डिसअडव्हान्टेज घेतात हे प्रत्येक क्रिएटिव्ह माणसावरती अवलंबून आहे. मला एवढाच त्याचा अत्यंत आनंद होतो की लेखक दिग्दर्शकांना कुठल्याही बंधनांशिवाय त्यांची गोष्ट त्यांना जशी आणि ज्या पद्धतीने मांडायची आणि सांगायची ते सांगण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं. आणि हा हे खूप लिबरेटिंग आहे, कारण आपल्याकडे कुठल्याही गोष्टीवरती आपण लोकांच्या भावना न दुखवण्याचा विचार करूनच ते केलेलं असतात. इतकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेखक दिग्दर्शकांनीही घ्यायला पाहिजे. ये आणि काय हवं नाम की वेबसिरीज है जो मूल मराठी में है लेकिन आप हिंदी में भी देख सकते हो MX प्लेयर पे. और कॉन्सेप्ट ये है कि एक कपल की कहानी है जिनकी नई नई शादी हुई है और शादी होने के बाद बहुत सी चीज़ें नई हमें पता चलती हैं अपने पार्टनर के बारे में. और एक मोड़ आते हैं ज़िंदगी में कपल के, जो पहला मोड़ होता है कि वो दोनों मिलके एक नया घर लेते हैं. फिर मोड़ आता है कि घर होने के बाद लगता है कि एक कार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. या फिर अगर कोई त्यौहार हो तो अब वाइफ जो है वो क्या बनाने वाली है, इसकी एक बहुत क्या कहें उत्सुकता रहती है. तो ये सब चीज़ें मिला के ह्यूमरस मोड पे ये वेब सीरीज़ हमने बनाई है, जिसमें प्रिया बापट और उमेश कामत है. तो क्योंकि हंसाने वाली वेब सीरीज़ है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा है हमें लग रहा है जी. मुझे लगता है कि एक तो प्रिया और उमेश 7 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं और हाँ ऑफकोर्स कि कपल अगर हम कहें तो उस पर बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, लेकिन हमने बहुत ही कपल के बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के जब हम जब वाइफ और हस्बैंड एक साथ रहने की शुरुआत करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता चलता है कि जैसे मैं बाथरूम से बाहर आता हूँ तो मैं कैसे चप्पल निकालता हूँ और मेरी वाइफ कैसे चप्पल निकालती है. या फिर ऐसे होता है कि मुझे फ़ैन जो होता है वो क्या कहें दूसरे इस पे चाहिए और उसको 4th पे चाहिए. तो ये बहुत ही हमने छोटी छोटी चीज़ें मिला के ये वेब सीरीज़ बनाई है जो बहुत ही डिफरेंट है जो भी वेब सीरीज़ हैं अवेलेबल उससे. इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आएगा लोगों को. ये मराठी में एक बहुत ही पुराना और प्यारा सॉन्ग है कि तुझा माझा संसाराला आणि काय हवं. तो लाइक तो हमने 2 तरीके से इसके बारे में सोचा था कि हर कपल को ऐसा लगता है कि हमने इकट्ठा शुरुआत की है, आणि काय हवं और क्या चाहिए. और दूसरा ये लगता है कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला है तो आणि काय हवं, मतलब और क्या चाहिए मुझे इतना अच्छा पार्टनर है. तो इस वजह से वो आणि काय हवं नाम हमने सोचा था. 16 जुलाई को आने वाली है MX प्लेयर पे. और बहुत लोगों को ये पता नहीं है लेकिन MX प्लेयर फ्री है, तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर mxplayer.in इस वेबसाइट पे जाके फ्री ये 6 एपिसोड्स देख सकते हो. तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर ये एपिसोड्स देखिए और हमारे पर्सनल सोशल मीडिया पेजेस पे हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे. ये तो खरीद ये जो है वो MX प्लेयर से ब्रीफ आया था हमें कि उनको एक वेब सीरीज़ चाहिए थी जो कपल के बारे में हो. और ये भी ब्रीफ था कि सेलिब्रिटी कपल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा. तो